प्राइज का नेम द लोड यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर यीशु तेरा नाम है कितना पावन तुझसे मिली है मुझको शिफा तुझसे मिला है नया जीवन तुझसे मिली है मुझको शिफा, तुझसे मिला है नया जीवन यीशु तेरा नाम है कितना पावन यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर यीशु तेरा नाम है कितना पावन <coughs> 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 हालेलुया <coughs> हालेलुया <coughs> <coughs> मैं यीशु ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਘਟਦਾਏ ਰੋਗ ਹਜ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਾਂ मैं यसू नाम जदो पुकारा हाल लू है तेरे ना तो है हयाती खून तेरे तो खलासी तेरा रुतबा सब तो आला कई यसुएसू जप जपदे जाइए तेरे ना तो वाले वरी जा तेरे ना तो येसुराज वरी जा वरी जाए <coughs> ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤੂੰ ਦਵਾ ਹੈ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ਫਾ ਹੈ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤੂੰ ਦਵਾ ਹੈ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ਫਾ ਹੈ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤੂੰ ਦਵਾ ਹੈ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ਫਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣ ਦੀ ਤੂੰ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ shana valiya varijaye varijaye hallelujah <coughs> hmm. hallelujah ग्रीटिंग्स इन जीजस वंडरफुल नेम शालोम सबको जय यीशु मसीह मसी की हाली लुया हाली लुया आज मेरे दिल में प्रभु ऐसा डाल रहा है कि आपके साथ ये बातें मैं करूं जो हमारी स्पिरिचुअल लड़ाई है जिसे हम कहते हैं आत्मिक मल युद्ध पॉल दॉसल फॉर वी रेसल नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड बट अगेंस्ट होम आर वी रेसलिंग अगेंस्ट फावर्स प्रिंसिपालिटीज अथॉरिटीज डोमिनियंस एंड स्पिरिचुअल विकेडनेस इन हाई प्लेसेस Hallelujah. जिन शत्रुओं के संग दुष्ट आत्माओं के संग प्रधानताओं के संग हुकूमतों के संग इख्तियारों के संग और दुष्ट आत्मिक सेना के संग हमारा लड़ाई है मलयुद्ध है ये हायर रैंकिंग डेमोनिक एंटिटीज हैं भाई और बहनों दे आर इन हाई प्लेसेस हम्म तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से मसीह लोग मुझे आत्मा दिखा रहा है कि इस पीरियड में ये जो समय अभी चल रहा है बहुत सारे मसीह लोग स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हताश हैं बहुत सारे मसीह लोग स्पिरिचुअल वॉरफेयर में समझ नहीं पा रहे आत्मिक युद्ध में पृथ्वी पे कलीसिया में शैतान ने बहुत सारे लोगों को आत्मिक लड़ाई में एंगेज किया हुआ है और लोग स्पिरिचुअल जो बैटल है इसे समझ नहीं पाते हैं कई बार ये मेंटल नहीं होती ये फिजिकल नहीं है कई बार ये मेंटल भी होती है विचारों में ख्यालों में कल्पनाओं में इमेजिनेशन में लड़ता है एनमी लेकिन ये एक स्पिरिचुअल बैटल है और शत्रु प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियों को एब्सल्यूटली डिस्ट्रॉय करना चाहता है सुन लीजिए शत्रु ऐसे षड्यंत्र बनाता है ऐसी योजनाएं बनाता है कि जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं उसके बेटे और बेटियां उनको नाश करें मुकम्मल तौर पे और अगर आपको याद होगा मैंने एक बार मैसेज में आपको बताया था कि कैसे शत्रु आपके विश्वास पे आक्रमण करेगा आपके हृदय में विश्वास एक स्वर्गीय धरोहर है स्वर्गीय पूंजी है परमेश्वर ने विश्वास की करंसी दी है आपको स्पिरिट ऑफ फेथ जो पवित्र आत्मा है वो भी विश्वास का रूह है शैतान इसे नाश करना चाहता प्रभु यीशु मसीह मैंने आपको दो तीन बार ये मैसेज दिया प्रभु मसीह पत्र से कहते हैं कि शैतान तुझे सिफ्ट करना चाहता है गेहूं की नाई जैसे गेहूं में से भूसा निकाला जाता है कई बार गेहूं को हवा में उछाल दिया जाता है और जोर से तेज हवा बहती है उसके द्वारा गेहूं में से भूसा उड़ा दिया जाता है तो ये बड़ा पेनफुल प्रोसेस है सिफ्टिंग इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस शिफ्टिंग का मतलब कि तुझे शैतान के हाथों में दिया जा रहा है हालांकि यशु मसीह ने प्रार्थना की लेकिन फिर भी पतरस को शैतान के हाथ में दे दिया गया लेकिन यीशु मसीह ने प्रार्थना यह की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे फेथ फेलियर शैतान की स्ट्रैटेजी है फेथ फेलियर की आपका विश्वास जाता रहे बाइबल में लिखा है बिना विश्वास के यहोवा परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है आप परमेश्वर को भाते हो विश्वास के द्वारा और शत्रु को वो चीज पसंद नहीं जिससे परमेश्वर खुश होता है शत्रु पतरस के अंदर से विश्वास को खा जाना चाहता था ताकि पतरस का नाश कर दे हम्म यह शैतान की स्ट्रेटजी है लेकिन यीशु मसीह पतरस को बहाल करने आता है क्योंकि पतरस तीन बार कसम खा के शपथ खाके के थीमा बोल के कहता है कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता है तो यीशु मसीह प्रेमी प्रभु आके पतरस को दोबारा बहाल करता है Hallelujah. मैं आपको बताना चाहता हूं राजा दाऊद उसका जीवन कितना अलौकिक है छोटी उम्र से यहोवा परमेश्वर की परस्तिश करना सीखा आराधना करना सीखा छोटी आयु में पवित्र आत्मा का स्वाद चखा छोटी उम्र में उसने आराधना कर करके परस्तिश करके यहोवा के नजदीक गया मैं आपको बताना चाहता हूं कुंजी आराधना है तनहाइयों में एकांत एक में आपको आराधना करना है प्रभु का नहीं। नहीं। जैसे राजा दाऊद ने आराधना वो आराधक था तो उसकी भी लड़ाई हुई राजा दाऊद ने मल्लयुद्ध लड़े हैं नहीं। नहीं। ये लड़ाइयाँ जो राजा दाऊद ने लड़ी मैं आपको बताता हूं राजा दाऊद ने एक बेयर 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 को मारा बेयर को जिसे रिच्छ बोलते हैं बेयर रिच्छ एक ऐसा शत्रु है बेयर जिसे आप देखते नहीं हुँ? जिसे मतलब रिच आपको दिखेगा यू कैन सी वो सामने से अटैक करेगा रिच सामने से आके हमला करेगा तो दाऊद की पहली लड़ाई हुई रिच के साथ बेयर के साथ वो शत्रु जो आपको दिखाई देता है उसके संग आपका युद्ध होगा दूसरी युद्ध हुआ दाऊद का लायन के साथ शेर के साथ आपको मालूम लायन शेर कैसे शिकार करता है वो छिप के शिकार करता है शेर झाड़ियों में छिपता है और रीड्स के अंदर छिपता है और जहाँ पे हरनी पानी पीती है उसके पीछे छिपता छिपता आता है यू कैनोट सी दैट एनिमी और शेर क्या करता है जब आपके पास आ आता है तो जोर से दहाड़ता है रोर करता है और रोर करने से जानवर डर जाता है पैनिक हो जाता है और छेद पाउंस करता है जंप करके अपने शिकार को अपने पंजे में कब्जे में कर लेता है तो आपकी लड़ाई होती है कभी ऐसे शत्रु से जो आपको दिखता है कभी ऐसे शत्रु से भी होती है जो छिप के आपके पीछे अटैक करता है लेकिन राजा दाऊद उस शत्रु से जो दिखाई देता है उस शत्रु से जो दिखाई नहीं देता राजा दाऊद यहोवा के जोर से लड़ता है ये वो शत्रु हैं जिनके ऊपर आप अपने जोर से जयवंत नहीं हो सकते आप अपने जोर से इनके ऊपर जीत नहीं पाएंगे समझ रहे मेरी बात यार हमें मल युद्ध के लिए सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ चाहिए और यह सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ आती है यहोवा परमेश्वर से तीसरा शत्रु कौन है राजा दाऊद का तीसरा शत्रु है उसका अपना फादर इन लॉ किंग सॉल एक राजा जिसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गया है एंड ही बिकम मैड ही हैज गिवन दिस यंग गाय हिज ओन डॉटर टू बी हिज वाइफ लेकिन अब उसका ही वेरी है और मारना बहुत बार उस दाऊद को मारने की कोशिश करता है लेकिन ये होवा का हाथ दाऊद को बचा लेता है अब सुनिए ध्यान से तीसरी जो ये बैटल है ना आपकी अपनी ब्लड लाइन की है आप कई बार उन डीमन्स के संग लड़ाई कर रहे हो जो आपकी ब्लड लाइन में है आपके फोर फादर्स पेरेंट्स एंसेस्टर्स उनमें से शायद कुछ मूर्ति पूजा करते होंगे कुछ जादूगरी करते होंगे उनमें से कुछ बेवचारी होंगे अडल्टर्स होंगे फर्नीकेटर होंगे मे बी समबी डाउन इन योर टोल डॉट और इन योर जेनरेशन इन योर लेनेज समबडी यू नो वॉज अ मर्डरर समबडी वॉज अ थीफ सो ऑल दैट लेगेसी इज हैंडेड डाउन टू यू थ्रू योर ब्लड लाइन दे ऑल आर इन योर जीनोम इन योर डी एन ए सो देर इज अ बैटल दैट यू आर फाइटिंग थ्रू योर ब्लड लाइन दिस hmm? इज enemy इन your ओन हाउस आपको मालूम यीशु मसीह ने क्या कहा यीशु मसीह ने कहा तेरे अपने घर के तेरे वैरी होंगे हम्म, दिस इज अ वेरी वेरी विशस एनिमी आपकी ब्लड लाइन के अंदर जो आपका मल युद्ध चलता है समटाइम यू नो यू बिहेव Because of the because of your bloodline, you behave in a certain way. You have certain behavior patterns. You have th certain thought patterns. You react a certain way. You do things certain way. And you wonder why you did that. You wonder, you know, how come you did that? It is your bloodline influencing you. It is your DNA, your genome. आपके अंदर ट्रिलियंस ऑफ डीएनए के सेल है उनके अंदर मेमोरी है उन डीएनए के सेल के अंदर वो लिविंग थ्राइविंग डीएनए के सेल्स हैं उन वो आपकी हिस्ट्री है वो आपका स्क्रोल है आपको मालूम आपका जो स्क्रोल है जो जीवन की पोथी है पुस्तक है एक स्वर्ग में है एक आपके डीएनए में है जो पिता ने आपके लिए बुक लिखी थी स्क्रोल वो परफेक्ट था लेकिन आदम के पाप की वजह से आपकी जो स्क्रोल है वो स्क्रू अप हुआ है आपके डीएनए में स्क्रोल इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना डीएनए दिया है हमारे डीएनए को री करने के लिए हमारी ब्लड लाइन को क्लेंज करने बहुत सारे लोग भाई और बहनों मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है होली कम्युनियन की पावर का व्हाट होली कम्युनियन इज ऑल अबाउट पीपल डोंट नो चर्च इवन नो होली कम्युनियन इज सो पावरफुल सो प्रोफाउंड होली कम्युनियन आपके ब्लड लाइन में जो आपका लाइफ स्क्रोल है उसे चेंज करता है रीसीक्वेंस करता है और नया स्क्रोल आपके अंदर लिखता है यीशु मसीह का डीएनए आपके डीएनए के अंदर समाता है हाल चौथा वेरी कौन सा है फोर्थ एनिमी जिससे दाऊद लड़ता था चौथा एनिमी सबसे ज्यादा फियरसम है चौथे शत्रु जिनके संग राजा दाऊद लड़ा वो थे जायंट जायंट, ये वो दैंत हैं गिब्रीम हैं, नफलीम हैं, जिगांटेस हैं जिनके संग जा जनरेशन को लड़के मारना चाहिए था ये सात जातियां हैं सेवन डिफरेंट जेनेटिक पूल और ये सातों के साथ आपको मालूम इनके अंदर फॉलन वॉचर्स का ब्लड था फॉलन एंजल्स का ब्लड ये ये मिंगल्ड सीड हैं ये नफाल्स हैं शैतानी जाइंट हैं बड़े बड़े दैंत हैं उनकी ब्लड लाइन है जो दाऊद के संग लड़ाई करती है जिनमें से गोलियत था और जिनमें से गोलियत के भाई थे और बहुत सारे लोग थे जिन्हें राजा दाऊद के शूरवीरों ने मारा जाइंट जो हैं आपकी जो वायदे की धरती है इसराइल को जो जमीन जो देश यहोवा ने दिया आपको आप ध्यान से सुनिए मेरी बात आपको जो मिरास देगा परमेश्वर आपको जो इनहेरिटेंस देगा यहोवा परमेश्वर आपको जिन बड़ी नेमतों का बरकतों का वायदा यह परमेश्वर करेगा आप मेरी बात ध्यान से सुने शतान उसके विरुद्ध जाएगा अवश्य जाएगा मैंने अपने जीवन में देखा जो निराश मुझे दी गई जो आशीषे मुझे दी गई कैसे शत्रु आया और उसने उनके विरुद्ध लड़ाई की और मैं उस समय में इतना परमेश्वर के वचन को नहीं जानता था परमेश्वर के भेद नहीं समझता था परमेश्वर का इतना प्रकाश मेरे पास नहीं था परमेश्वर की इतनी ज्योति मेरे अंदर नहीं चमकती थी शत्रु मेरी बहुत सारी आशीषों को चोरी करके ले गया वो चोरी करने घात करने नाश करने आएगा वो कभी आपका फ्रेंड नहीं है ही like खा जाना चाह डिवाऊर का मतलब समझते हैं वो आपको पूरी तरह खा जाना चाहता यदि उसका वश चले समझ रहे मेरी बात तो जायंट जो थे राजा परमेश्वर ने इब्राहिम हमारे बाप के साथ पुरखे के साथ वायदा किया और परमेश्वर कभी परमेश्वर ने इसराइल को बेस्ट लैंड दी पृथ्वी की उत्तम पृथ्वी में सर्वोत्तम उसके विषय में आप पढ़िएगा ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 11 से 14 तक पढ़े कितनी तक खूबसूरत लैंड है वो पहाड़ों की और तराइयों की धरती है परमेश्वर कहता है उसकी जमीन बहुत ही उपजाऊ है इसराइल में श्राप की वजह से बहुत सारी चीजें घटी हैं और परमेश्वर क्या कहता है परमेश्वर कहता है वहां पे पहली वर्षा गिरती अंतिम वर्षा गिरती है परमेश्वर सबसे पहली बात कहता है, कहता है मेरी आंख लगी रहती है उस धरती पे साल के पहले दिन से और साल के आखिरी दिन तक फर्स्ट जनवरी टू थर्टी फर्स्ट आई कीप वॉचिंग द लैंड मैं उस धरती की सुधी लेता हूं और आपको मालूम अल्फर्ड एल्डर शाइम नाम के एक जूश स्कॉलर ने वो जू था ऑर्थोडॉक्स लेकिन यीशु मसीह का उसे दर्शन मिला एटीन सेंचुरी में अल्फर्ड एल्डर शाइम प्रभु यीशु मसीह का दास बना उसने प्रभु का दर्शन पाया और एल्फर्ड एल्डर शाइम की पांच किताबें हैं आपको अगर मिले अगर जो विदेश में आप तो आराम से ले सकते हैं कई बार एमजोन पे नहीं मिलती हैं एल्फर्ड एल्डर शाइन की पांचों की पांचों बुक्स आपके पास होनी चाहिए पावरफुल यूनिक लाइब्रेरी वो इतना जबरदस्त लिखता है अल्फर्ड एल्डर शाइन वो बताता है कि परमेश्वर यहोवा ने यूं ही नहीं कहा कि यहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं यहां पे सचमुच ये धरती जो थी ये धरती इतनी जबरदस्त थी कि वाइल्ड गोट थी यहां पे लाखों की करोड़ों की तादाद में वाइल्ड गोट जंगली बकरियां और बकरे बड़े बड़े थे वो और जो जंगली बकरियां होती थी उनके थन इतने इतने बड़े थे नीचे और उनके थनों के अंदर कई कई लीटर दूध होता था वो अपने आप चोता रहता था दूध गाढ़ा बढ़िया दूध गोट का गोट मिल्क और वो धरती को भिगोता रहता था वो पहाड़ों पे चढ़ती थीं और वो बकरियां जड़ी बूटियां खा खा के एक किस्म का इतना हेल्दी दूध देती थीं और इसराइल में क्या था इसराइल में जंगली फूल होते थे बहुत जंगली फूल उन फूलों पे छोटी शहद की मक्खी बैठती थी और शहद की मक्खी और छतों से भरा था देश शहद भी अपने आप टपकता था और दूध भी अपने आप टपकता था इसलिए इसराइल को कहा जाता था दूध और शहद की धाराओं के बहने वाला देश यूं ही नहीं कहता परमेश्वर और हर पर आपको मालूम इस ये पृथ्वी ये जमीन कॉन्टिनेंट में बटी है छह कॉन्टिनेंट है जैसे कीवी न्यूजीलैंड में मिलेगा मैंगोस्टीन जैसे आपको अफ्रीका के कुछ एरिया में मिलेगा जैसे ऐसा ही बैरी आपको ब्राजील में मिलेगी ऐसे हर देश में कोई ना कोई खास चीज है हर कॉन्टिनेंट में कोई ना कोई खास चीज है लेकिन इसराइल एक ऐसी धरती है पूरी दुनिया में जो पैदा होता है वो इसराइल में पैदा होता है पूरी दुनिया में <laughs> हम्म दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो इसराइल में नहीं मिलेगी आपको हाल लेकिन आपको मालूम इस धरती जिसका वायदा यहोवा ने इब्राहिम से किया इसहाक से किया याकूब से किया इसराइल के बारह गोत्रों के साथ किया परमेश्वर ने उसके लिए वाचा बांधी लेकिन जराइल की मिरास के ऊपर किसने कब्जा किया हुआ था मैंने आपको बताया कि इसराइल की धरती में प्रवेश करने के लिए सात मार्ग थे उन सातों के सातों मार्गों पे जायंट बैठे थे दानव, गिब्रीम जिगांटेस, फॉलन एंजल का सीड था जो इसराइल की मिरास को अपने कब्जे में किए हुए था जो परमेश्वर आपको मिरास देने का वायदा करेगा इनहेरिटेंस देने का वायदा करेगा शत्रु उसके ऊपर कब्जा करेगा करेगा और आपको मल युद्ध करके अपनी मिरास को लेना है आपको मालूम इज़राइल को जो, जो जमीन यहोवा ने दी इज़राइल ने उस जमीन का लगभग 18% परसेंट एटीन टू 19 परसेंट ही अपने कब्जे में किया जो ज़मीन को देने का परमेश्वर यहोवा ने किया है वो 80% परसेंट जमीन अभी नहीं मिली है इनको आपको मालूम क्यों नहीं मिली इसलिए नहीं कि परमेश्वर इन्हें वो वायदे की जमीन दिलाने में असमर्थ था इन्होंने खुद ही कब्जा नहीं किया इसराइल के बहुत से कबीले दानवों से जाइंट से डर गए पढ़िएगा ध्यान से यह होशुआ की किताब वो जैसे दान का कबीला उसने लड़ाई करनी नहीं चाहिए और दान का कबीला नॉर्थ की दिशा में चला गया वो अपने भाइयों के संग उन्होंने मिलकर युद्ध ही नहीं किया बहुत सारे कबीले उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया उन कौमों के संग जातियों के साथ उन्हें निकाला ही नहीं आप बुक ऑफ जजेस के अंदर पढ़ लीजिएगा फोर्थ चैप्टर में दे डिड नॉट ड्राइव दैम आउट कंप्लीटली अपने जाइंट को शत्रुओं को इन्होंने नहीं मारा जिन्हें बाद में राजा दाऊद मारता है जो आप आज मलयुद्ध नहीं लड़ेंगे वो आपके नाती पोतों को लड़ना पड़ेगा आप कई उन डीमन के संग युद्ध कर रहे हो जो आपके दादा और परदादा जी ने जिनके संग सुलह की हुई थी अगर उन डीमन के साथ आप आज जी रहे हो कंप्रोमाइज करके सुलह करके आपकी अगली और अगली जेनरेशन उनके संग स्ट्रगल करेगी हम्म हालेलुया ये जायंट जो है भाई और बहनों बॉर्डर करेंगे ब्लड लाइन के आपकी ब्लड लाइन की बैटल लड़नी पड़ेगी <coughs> hmm? आपकी अगली जेनरेशन को एज समबडी सेज द देव इज ए नेक्स्ट डेवल ऑन द नेक्स्ट लेवल तो ये जो आत्मिक युद्ध है इसने बहुत सारे लोगों को डिस्करेज किया है <coughs> हम्म बहुत सारे लोग डिस्करेज हैं मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ बहुत सारे मसीही लोग जो हैं इस कोरोना वायरस की वेख में दे डाइड मुझे एक मेरे फ्रेंड ने पूरी डिटेल्ड एक ब्लॉग भेजा था जब कोरोना वायरस आया पास्टरों ने जैसे फ्लैश में शरीर में शरीर में उन्होंने डिफाई किया आपको मालूम उन्होंने वो मेरा फ्रेंड न्यूयॉर्क में है उसने मुझे न्यूयॉर्क के कुछ पास्टर्स की डिटेल बताई उनकी फेसबुक का पूरा प्रोफाइल भेजा और वो जब कोरोना वायरस आया तो वो बहुत दहाड़ दहाड़ के कह रहे थे हम ये कुछ भी नहीं है दिस विल डू नथिंग टू गॉड्स पीपल हम परमेश्वर के लोग हैं ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता नियरली hmm? हंड्रेड से ज़्यादा पास्टर्स किए उसने पूरी वो इन्फॉर्मेशन ली अब देखिए मेरी बात सुनिए यदि आपका जीवन प्रभु के संग सही नहीं है आपके जीवन में राइचसनेस नहीं है होलीनेस नहीं है आपके जीवन में परमेश्वर की वाचा नहीं है परमेश्वर के लॉज नहीं है आप जूती भी नहीं चल रहे परमेश्वर के संग संग नहीं चल रहे हो और लेकिन आप केवल शब्द बोलते हो बड़े बड़ी बातें बोलते हो तो वो बड़ी बड़ी बातें बोलने से कुछ नहीं होगा जो शब्द आप बड़े बड़े कन्फेस करते हो अपने मुंह से वो आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए मेरे मित्र ने बताया कि कई लोगों ने डिफाई किया कि हम चर्च लगाएंगे हम सोशल डिस्टेंसिंग के ऑर्डर को नहीं मानेंगे हम ये नहीं मानेंगे वो नहीं मानेंगे और बहुत सैड बात आपको बता रहा हूँ सौ से ज़्यादा ऐसे पास्टर न्यूयॉर्क में मर गए कोरोना वायरस से दे इवेंचुअली डाइड लोग पहचान नहीं पाए कि ये वायरस है क्या चीज आपको बताया जाएगा वुहान लैब में इसे डॉक्टर किया गया आर्टिफिशली ये केमिकल वॉर है बायोलॉजिकल वॉर है ये चाइना सुप्रीमेसी चाहता है चाइना वर्ल्ड को टॉपल डाउन करना चाहता है आ, या ये कॉन्सपेसी थी अमेरिकन सोल्जर इसके अंदर इन्वॉल्व थे या एक बहुत डीप कॉन्सपेसी है अमेरिकन इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए ताकि ट्रंप दोबारा ना आए या इसके अंदर चाइना का कनेक् इसके अंदर चाइना रशिया का कनेक्शन है सोशलिज्म दुनिया के ऊपर काबिज होना चाहता है मार्क्सिस्ट लोग दोबारा दुनिया पे कब्जा लेना चाहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लोगों की ये वो है प्लान है बिल गेट्स सोरस रॉथ चाइल्ड ये लोग इसके पीछे हैं जो मार्क ऑफ द बीस लोगों को देना चाहते हैं तो ऐसी बहुत सी बातें आप सुनेंगे लेकिन एक चीज़ जो इक्वेशन से आप बाहर निकालते हो वो है यहोवा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के आइन से देखें इस बात को तो पढ़े कलाम कलाम बताता है यह प्लेग है आप इसे को, हो को, कुछ भी कहो दैट डजेंट मैटर बट दिस इज अ प्लेग प्रभु क्या कहता है प्रभु कहता है आई विल सेंड द सोड आई विल सेंड द फैमन एंड आई विल सेंड द पेस्टलेंस आई विल सेंड द प्लेग

लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं हम एंड में हैं दिस सर्टेनली इज अ प्लेग दैट गॉड सेज अगर प्रभु को जज करना है प्रभु इसको दोबारा एग्रीवेट कर सकता है इट कैन कम बैक यू नो मे बी टेन टाइम्स और हंड्रेड टाइम्स इवन स्ट्रॉगर जस्ट इमेजिन वट द वर्ल्ड एवरी थिंग वॉज शट डाउन टू थाउजेंड ट्वेंटी वॉज लाइक अ डार्क ईयर समझ रहे हैं आप एवरीथिंग केम टू ए स्क्रीचिंग हॉल्ट तो राजा दाऊद लड़ता है मैंने चार शत्रु बताए एक कैसा शत्रु है रिच बेयर जो आपको दिखाई देता है उससे लड़ते हो आप लेकिन शेर एक ऐसा शत्रु है जो छिप के आता है और एकदम दहाड़ता है हिलनी के पास आके एक ऐसा शत्रु जो आपको दिखता है और ऐसे शत्रु हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हम्म कई बार वो शत्रु आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं हु? अनसस्पेक्टेड जो आपका बुरा चाहते हैं फिर राजा दाऊद अपनी ब्लड लाइन के दुश्मनों से लड़ता है अपने खून ब्लड लाइन के अंदर वैरी हैं। शी मसीह कहता है तेरे घर के तेरे वैरी होंगे ब्लड लाइन आपके खून की जो लाइन चल रही है आपके पुरखों से आपकी ब्लड लाइन के अंदर आपके पुरखों के पाप आपके पुरखों के गलत काम आपके पुरखों की बदकारियां आपके पुरखों के श्राप आपके डीएनए में आपको हैंड ओवर कर दिए गए हैं आप ब्लड लाइन से लड़ रहे हो मैं बता रहा हूं आपको कई बार आपके अंदर आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की नेचर प्रकट हो जाती है हमारे पुरखों ने जो गलत काम किए सेक्शुअल इमोरलिटी मूर्ति पूजा जादूगरी टूना व्यविचार मर्डर थेफ्ट ये चीजें हमारे अंदर प्रकट होती हैं हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस करती हैं हम एक श्रृंखला की कड़ी हैं आप ये मत सोचे कि आपको ऐसे पैराशूट से ड्रॉप कर दिया गया नीचे आप आदम से नू के तीन बेटे शेम हाम यफेत से और आदम से जुड़े हुए हो वहां से चल रही है आपकी ब्लड लाइन तो ये ब्लड लाइन इतनी डीप है इसे कौन समझ पाएगा जब तक पवित्र आत्मा ना समझाए शेम हाम यफेत नू के तीन बेटों के बीच में से आपका बीज निकल के आ रहा है समझ रहे आप और पांच हजार साल की पूरी दास्ता है आपकी पांच हजार साल की शेम हाम यफित के एक बेटे में से आपकी ब्लड लाइन चल के आ रही है और उसमें आपका पिता है आपका दादा आपका परदादा आपका ग्रेट ग्रैंड फादर ग्रेट 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 ग्रैंड फादर ग्रेट 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 ग्रैंड फादर ग्रेट 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 ग्रैंड ग्रेट 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 ग्रैंड फादर ग्रेट 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 ग्रैंड फादर हो सकता है चार हजार जनरेशन या साढ़े चार हजार जनरेशन के बाद नू का एक बेटा है जो आपका फादर है <pause> क्योंकि नोहा के तीन बेटों से दोबारा दुनिया बनी है मैं कल मनन कर रहा था नू के विषय में मैं सोच रहा था नू जो था उसका दिल कितना धन्यवाद से भरा होगा प्रभु के लिए जब नू अपनी कश्ती से बाहर आया आपको मालूम जमीन पे वो सब लोग मर गए समुद्रों के अंदर चली गई लाशें उनकी सबकी डेड बॉडीज समुंदर स्वीप करके ले गया आपको मालूम उसी से कार्बन बना उसी से ये डीजल पेट्रोल बन रहा है वो जो नफलीम थे बड़े बड़े दैत उनकी डेड बॉडीज चली गई अंदर और मैनकाइंड की डेड बॉडीज जानवरों की सब चली गई अंदर अगर आप मैंने बहुत सी रिसर्च की है आर् आकियो, का पीछा करता हूँ आर्कियोलॉजिस्टों ने आर्कटिक आर्कटिक में जहाँ पे बर्फ़ जमी पड़ी है एंटार्टिका में उन लोगों ने डिगिंग करके एनिमल्स देखे हैं उनकी डेड बॉडीज़ फ्रोज़न है मनुष्यों की डेड बॉडीज़ फ्रोज़न है और उन्होंने उनके पेट खोल के देखा कि ये डेड बॉडी फ्रोजन है कि वो वहाँ के रहने वाले नहीं थे कुछ अफ्रीकन है कुछ फार ईस्टर्न है कुछ ईस्ट के हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट के उस समय फ्लड में कौन से कॉन्टिनेंट के जानवर लोग उनकी डेड बॉडीज़ किधर चली गई तो ओशन के अंदर ये जो उस समय की मैनकाइंड की डेड बॉडियाँ दानवों की डेड बॉडियाँ समा गई वो कार्बन बना उस कार्बन से आप निकाल रहे हो डीजल पेट्रोल ईंधन निकाल रहे हो तो नू जो था उसने देखा पूरी दुनिया नू ने देखी थी दुनिया अपनी आंखों से उनके बीच में रहता था लेकिन यहोवा उससे बातें करता था नू ने देखा यहोवा का क्रोध सारी मानव जाति मर गई सोचे जरा नू नू के तीन बेटे नू की बहुएं और नू की बीवी बच गए सोचे उस बंदे के विषय में नू के विषय में उसके दिल में क्या क्या चीजें गुजर रही होंगी सारी दुनिया खत्म केवल आठ लोग बचे भाई और बहनों यहोवा परमेश्वर आठ लोगों से दोबारा दुनिया चला सकता है दोबारा संसार खड़ा कर सकता है आप धोखे में मत रहना परमेश्वर के आगे अकड़ना मत परमेश्वर के आगे हमंड मत करना परमेश्वर के आगे अहंकार में मत चलना परमेश्वर के आगे किसी चीज का दिखावा मत करना कि आप बड़े धनी हो बड़े बुद्धिमान हो बड़े शक्तिशाली हो बड़े पराकर्मी हो किसी चीज की अकड़ मत दिखाना ये होवा को वो पूरी दुनिया को मार के आठ लोगों से दोबारा शुरू कर सकता है हाल ही आठ का मतलब केवल तीन कपल से नूह के तीन बेटों में से आगे दुनिया निकल रही है उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है मुझे नहीं मालूम कितने सौ साल यहोवा ने वेट किया है कि दुनिया फिर से भरे लग गए होंगे ऑब्वियसली सौ दो सौ साल तो लगा होगा दुनिया को पूरी तरह फैलने में दोबारा बनने में तो ही कैन वेट ही हैज ऑल द टाइम ही कैन वेट बिकॉज ही इज बियॉन्ड टाइम ही इज टाइमलेस गॉड टाइम हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन ही क्रिएटेड द टाइम टाइम इज जीजस सर्वेंट लोग कहते नहीं समय बड़ा बलवान है समय फलवाना है समय शक्तिशाली अरे भैया समय यीशु मसीह का नौकर है यीशु मसीह ने समय को बनाया है यीशु मसीह को समय को ऐसे गोल करके डिब्बे में फेंक देगा समय ख़त्म हो जाएगा और इटर्निटी शुरू हो जाएगी यीशु मसीह को छोड़ किसी और को महिमा मत दे कई लोग मैं देखता हूँ फेसबुक पर ना बड़े तगड़े तगड़े स्लोगन डालते हैं वो विचार लिखे होते हैं लोगों के और कई लोग ऐसे विचार डालते हैं जो बिब्लिकल होते ही नहीं हिंदी में लिख लिख के डाले होते हैं ऐसा फलाना होता है ऐसा ढिमकाना होता है वो वो लोगों को परमेश्वर का कलाम पर्याप्त नहीं है परमेश्वर का वचन उनके लिए काफ़ी नहीं है विचार शेयर करने के लिए इसलिए वो ऐसे विचार वो कई ऐसे विचार होते हैं जो लोग शेयर करते हैं वो बिल्कुल कलाम नहीं होता हालेलुया मैं ऐसी शेर व शायरी ऐसी चीज़ों को अवॉइड करता हूँ उनको कोई क्रीडेंस देता ही नहीं मैं जो प्रभु के कलाम से मेल नहीं खाते मैं केवल प्रभु के कलाम में जीना चाहता हूँ मैं सब कुछ जानता हूँ एरिस्टोटल सोक्रेटस प्लेटो हेरोडोटस सबको पढ़ा मैंने बट आई डोंट केयर अबाउट देम उनमें अनंत जीवन नहीं है युकेरियन फिलॉसफी हो स्टोइक फिलॉसफी हो देयर इज नो लाइफ उनके अंदर जीवन नहीं है मैंने इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा है मैंने ड्रामा पोइट्री प्रोज सब कुछ पढ़े हुए हैं शेक्सपियर जॉन कीट सब आई बट देर इज नो लाइफ इन दैम हालिया जीजस इज द लाइफ यशु मसीह कहते हैं ये हुन्ना रचित सुसमाचार छे अध्याय के तिरसठ वचन में जॉन सिक्स सिक्सटी थ्री जीजस द वर्ड्स दैट आई स्पीक दे आर लाइफ एंड दे आर स्पिरिट मसीह कहते हैं द वर्ड्स दैट आई स्पीक एन टू यू दे आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ द वर्ड्स दैट जीजस स्पोक आर स्पिरिट एंड अ लाइफ they are not merely words that drip with eloquence and wisdom. they are not merely philosophical thoughts that intrigue human mind. the words that flowed out of the mouth of jesus, they have the creative power. they are the very word that created the cosmos, this universe. they are the very word that sustained the universe. So stick to the words that come out of the mouth of the living God. I don't care about other philosophies and other books. I don't care about them. Hallelujah. Only the words that Jesus speaks. they are the spirit and they are the life. Hallelujah. And the words that Jesus speaks to you, they are adequate for you you don't need to lean on you know, the wisdom of the world you don't need to have the intriguing philosophy that just mesmerizes human brain human mind and produces eventually nothing so called you know gnosticism the knowledge of the world that promises to enlighten you on the inside but that's luciferian thing the devil promised the woman that your eyes will be opened if you remember I told you the opening of the eyes is in Hebrew is called pakah. But lifting up the eyes is a different thing. Hallelujah. Lifting up the eyes. Then Holy Spirit will come, you will lift up the eyes. When devil will come with his ins insinuation, your eyes will be opened. Your eyes will be opened to another conscious reality. But when Holy Spirit will come, He will lift up your eyes into the Spirit dimension. You will be able to plug into the Spirit dimension and worship God on higher horizons. So beware of the cultic things that Satan is offering you. Satan comes camouflaged. New awakening, new dawn, new world order. न्यू कॉन्शियसनेस दैट इज इमरजिंग दीज आर दर्म्स दैट यू नो दीज डेमोनिक पीपल आर यूजिंग एंड चर्च इज गैटिंग टू इट हाल तो मैं आपको यशु मसीह के नाम में इनकरेज करना चाहता हूं आपको सबसे पहले अपना जीवन यशु मसीह के चरणों पर रखें पूरी रीति से पाप नहीं कर सकते आप अब अब आप दोगला जीवन नहीं जी सकते अगर आप कहो ना कि आप फोन के ऊपर गंदी फिल्में गंदी तस्वीरें देखेंगे आधी रात को और दिन में अपने आप को धो के लुया हालेलुया लुया करेंगे तो अब नहीं चलेगा भाई और बहनों अगर आप कहें आप गलत रिलेशनशिप रखें एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखें फर्नीकेट करें और आप प्रभु के लिए भी जिए तो ये नहीं चलेगा अगर आप कहें कि आप अपने बिजनेस के अंदर तो दुनिया के एथिक्स लगाएंगे लूटेंगे चोरी करेंगे ठगी करेंगे और चर्च में आके हाल परलोड करेंगे तो ये नहीं चलेगा अब आपको पवित्र जीवन जीना पड़ेगा हाल तलवार की धार पे चलना पड़ेगा अब संपूर्ण रीति आपने जैसा ईसाई जीवन जी लिया ना पहले डबडू गुजलू जी लिया अब नहीं चलेगा वरना आप शतान के हाथों में चले जाएंगे आपको राइचसनेस अब ये जो अंत के दिन है इन अंत के दिनों में राइचसनेस विल ओवरकम द डेबल सेटन की ये चारों जो लड़ाइयां हैं जो आप बेयर से सामने आने वाले शत्रु से लड़ते हैं लायन से जो दिखाई नहीं देता उससे लड़ते हैं अपनी ब्लड लाइन से लड़ते हैं और जाइंट से लड़ते हैं ये सारी मलयुद्ध की बैटल आप जीतेंगे इफ यू वॉक इन राइचियसनेस अगर आप धार्मिकता में जीवन जी रहे हो पवित्रताई में जीवन जी रहे हो सच्चाई में मसीह लोग सच्चाई में नहीं होते बहुत सारे स्पिरिट में हो जाते हैं आत्मा में आ जाते हैं खोबा राभा करते उसमें आ जाएंगे लेकिन सच्चाई नहीं होती उनके अंदर ट्रूथ नहीं है हाल तो इन शत्रुओं पे अगर आपने विजय पानी है तो आपका जीवन रूपांतर होना चाहिए हाल लो आइए हम प्रार्थना करें शतान आपको हताश कर देगा अगर आप प्रभु के चरणों में सही जीवन नहीं गुजारेंगे ही विल वेयर यू आउट शतान लोगों को मल युद्ध में एंगेज करता है और उनको हताश कर देता है निराश कर देता है और शतान की स्ट्रैटेजी क्या है भाइयों बहनों आपकी आत्मा में से विश्वास को निकाल देना आपके विश्वास के ऊपर आक्रमण करना शतान की स्ट्रैटेजी है इसके पीछे है वो और आपका विश्वास बढ़ता जाए पवित्र आत्मा का काम है लेकिन आपको क्या करना है विश्वास का बीज आपके अंदर बोया गया है उस बीज को पवित्र आत्मा का पानी देना है उस बीज को कलाम की खाद देनी है ताकि वो फर्टिलाइज हो हालेलुया। आपको रक्षा करनी है अपने अंदरूनी जीवन की आत्मिक जीवन की आपको गलत लोगों के संग फेलोशिप नहीं करना गलत संगति आपको छोड़नी पड़ेगी वो लोग जो आपको गलत पथ पे ले जाते हैं जबूर एक आपको रटा होना चाहिए जबूर एक वाला इंसान बनना है आपने सिट स्टैंड वॉक तीन चीजें उसके अंदर ना खड़ा होता है ना बैठता है ना चलता है दुष्टों के साथ हारे और प्रभु के वचन पे मेडिटेट करता है डे एंड नाइट अरे लू डे एंड नाइट आप मेडिटेट करें आपका बिजनेस भी चलाएगा ये होगा आपकी जॉब भी चलेगी आपको वेल्थ भी देगा आपको हेल्थ भी देगा ये होगा आपको मान सम्मान भी देगा आपको अपनी फैमिली को अच्छे ढंग से चलाने की बुद्धि भी देगा आपको अपने जीवन के निर्णय लेने की स्वर्गीय बुद्धि भी देगा यह होगा आपके अंगसंग भी रहेगा आपकी रक्षा भी करेगा आपके शत्रुओं के ऊपर भी जयवंत होगा आपको प्रतिष्ठा मान सम्मान भरा जीवन भी देगा यहोवा लेकिन आप यहोवा की व्यवस्था पे मनन करें डे एंड नाइट मैं दो बजे उठ जाता हूं कई बार एक बजे उठ जाता हूं तीन बजे उठ जाता हूं मनन करता हूं वचन के ऊपर वचन का अध्ययन करता हूं रात को वचन सुनता रहता हूं अध्ययन करता हूं कलाम पे मैं इसके अंदर ये मेरी दुनिया है परमेश्वर का कलाम इसलिए मेरे अंदर से कलाम निकलता है भरता है यह होगा मुझे मेरे एक एक डीएनए मेरे अंदर ट्रिलियंस ऑफ डीएनए के सेल हैं अगर यह होगा परमेश्वर एक एक शब्द मेरे एक एक सेल के अंदर रखे तो पूरी बाइबल मेरे जीनोम में आ जाएगी हाल लुया लुया हालेलुया मेरे लिए ये केवल संडे को खुलने वाली किताब नहीं है हुँ? आप हफ्ते में एक बार खाना खा के जी सकते हो पूरा वीक और वो भी कई बार आपको वो खाना नहीं मिलता जो स्पिरिट के अंदर बना होता है आत्मा में कई बार आपको थियोलॉजी ही मिलती है कई बार आपको सुपरफिशियल कलाम मिलता है मैंने आपको बताया मखौर वो झरना है जो गहरा बहता है यह होगा कहता मैं गहरे डीप फाउंटेन हूं पर लोगों ने क्या किया है मुझे त्याग दिया है जो गहरे जल का झरना है लोगों ने हौद बना लिए जो ऊपर ऊपर होते हैं ना सतह के ऊपर हौद उन हौदों का पानी पीते हैं लोग गहरे झरनों का नहीं पीते गहराई में नहीं जाना चाहते अभी भी वो बस ए बी सी जो है ना ए बी सी पढ़ रहे हैं डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू द डीप मखौर के पास लेके जाने वाले गडरिए नहीं है मखौर गहरे झरने और वो कलाम को खोलने वाले जो परमेश्वर कहता बारिश की तरह बरसेगा मोरे वो टीचर चाहिए जो मोरे करें मोरे का मतलब मोरे का मतलब टीचर भी है मोरे का मतलब बारिश भी है ऐसे परमेश्वर के दास जिनके द्वारा कलाम की बारिश हो इसलिए कलीसियाएं सूखी हैं लोगों का जीवन नीरस है लोगों के जीवन के अंदर बल नहीं है यह का बहुत सारे लोग बुरी तरह लताड़ दिए हैं कोरोना कोरोना वायरस ने लेकिन भाइयों और बहनों मैं आपको गवाही देता हूं मुझे यह परमेश्वर ने 2020 में कई गुना बढ़ाया है हर एरिए में स्पिरिचुअल एरिया में मानसिक एरिया में फाइनेंशियल एरिया में मिनिस्ट्री के एरिया में फैमिली वाइज हर चीज में परमेश्वर ने मेरे जीवन को हज कई 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 गुना मैं कहूंगा स्कोर्स ऑफ सेवरल स्कोर्स टाइम्स परमेश्वर ने मेरी लाइफ को आगे बढ़ाया है हाल अगर आप धार्मिकता में पवित्रताई में सच्चाई में चलेंगे और यही कलाम प्रचार करेंगे आप हो सकता है इतने पॉपुलर ना हूं? हो सकता है अच्छा ना लगे लोगों को कई लोगों को बुरा लगता है तो इट्स ओके okay. वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो जो यहोवा हुक्म देता है वो मैं बोलता हूं अब आपका रिएक्शन कैसा है इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है ये तो प्रभु यहोवा के बीच में है बट आई मस्ट स्पीक द ट्रूथ आई मस्ट बी अ फेथफुल ए आई मस्ट ऑलवेज टेल द ट्रूथ सच्चाई का प्रचार करूं सच्चे कलाम को पेश करूं आपको पसंद आए या ना पसंद आए ये तो आपकी चॉइस है भाई सुन रहे हैं आप मेरी बात हाल ही पॉपुलर बनने का कोई एजेंडा नहीं है सेलिब्रिटी बनने का मेरा कोई एजेंडा नहीं है आई वॉन्ट टू बी फेथफुल टू द वर्ल्ड आपको मालूम लोग सच्चा कलाम देते नहीं हैं सच्चाई नहीं देते योबा परमेश्वर की कहीं कलीसियाँ टूट ना जाए कहीं लोग नाराज ना हो जाएं, कहीं चर्च बोर्ड में प्रॉब्लम ना आ जाए वो मेरे खिलाफ ना हो जाए डीकन्स एडवाइजरी बोर्ड मेरे खिलाफ ना हो जाए कितनी रेड टेप है चर्च के अंदर एक प्रभु के अभिषेक बंदे को बुला नहीं सकते आप चर्च में आपकी चर्च बोर्ड है चर्च कमेटी है अरे क्या है ये चर्च बोर्ड चर्च कमेटी है अभिषेक बंदों को नहीं बुलाएंगे आप बुलाओगे जो आपकी जान पहचान के आपकी डिनोमिनेशन के हैं और सच्चे बंदे यहोवा का सच्चा कलाम लेके ललकार रहे हैं वो आपके पता लग रहा है आपको ये सच्चे खादम हैं इनके पास यहोवा का सच्चा कलाम है इनके संग यहोवा है तो भी आप उनके लिए द्वार नहीं खोलोगे प्रभु आपसे लेखा लेगा जरूर लेगा और जब बैंड बजेगा ना तब आपको पता लगेगा कि बैंड बज रहा है आपका क्यों क्योंकि आप कलीसिया के द्वार पे खड़े हो गए यीशु मसीह को नहीं आपने आने दिया वो द्वार पे खड़ा खटा रहा है यह हाल है इस समय बहुत सारे पास्टर्स का लीडर्स का वो सच्चे कलाम से डरते हैं परमेश्वर की सच्ची बातों से डरते हैं और अपनी कहानियां कथाएं सुना रहे हैं कलीसियाओं उनको ये दशा है गलीसिया की इस समय तो भाई और बहनों ये बहुत बड़ा आत्मिक युद्ध है कोरोना वायरस ने बहुत सारे लोगों को शिफ्ट किया है जैसे शिफ्टिंग होती है ना लोगों की मैंने आपको बताया पतरस की हुई ऐसे कोरोना वायरस ने कईयों को सिफ्ट किया मुझे खुदा ने बताया कई लोग कईयों को मैंने देखा दे डाइड अब मैंने अपनी आत्मा में देखा they died because they were judged they were in the threshing floor वो threshing floor में थे उनके जीवन ये threshing floor चल रहा है समझ रहे हैं आप this is a threshing floor मैंने threshing floor पे एक बहुत जबरदस्त मैसेज दिया था मा, आ, मार्च के महीने में कोरोना वायरस के संग कनेक्ट करके शायद आप फेसबुक पे जाइए भाई और बहनों आपको 15-1600 घंटे सो की शिक्षा मिलेगी और ऐसे नायाब संदेश हैं सुन लीजिए सच्ची बात यह है कि आपने यह सुने नहीं है कभी लेकिन फिर भी आप एडमिट नहीं करते हो कि यह भेद ये रहस्य ये कलाम की गहराई हमने कभी नहीं सुनी थी मुझे कई लोग लिखते हैं जो डेयरिंग है जो सच बोलते हैं कि हम तीस साल से चालीस साल से दस साल से पंद्रह साल से कई पास्टरों ने लिखा कि हम बीटी बीडी किया हुआ हमने एमटीएच किया है लेकिन हमने तीन महीने में जो आपसे सीखा वो हमने पांच साल में नहीं सीखा उसका एक परसेंट भी नहीं सिखाया गया हमें ये सच्चा कलाम ये साक्षी के तौर पे रखा गया है हालिया ये भाई और बहनों सच्चे कलाम का ऐलान यह कर रहा है ताकि लोग पलट लें कलीसिया अपने जो अपना जो चला रहे हैं ना सिस्टम उसे चेंज कर दे, क्षमा मांगें प्रभु से तो शुभा करें रिटर्न करें प्रभु की ओर लेकिन इतना बड़ी ईगो है लोगों की पास्टरों की इतनी बड़ी ईगो है इतना बड़ा अहंकार है वो मुड़ेंगे नहीं अंदर कुछ भी नहीं है उनको पता है अंदर पवित्र आत्मा की हजूरी नहीं है अंदर प्रभु के जल के सोते नहीं बह रहे हैं फिर भी नहीं हटेंगे लोगों को बाहरी दिखावा लोगों के बीच में अपनी इमेज बनाना ये ज़्यादा पसंद है तो आपको मालूम तौबा का मतलब क्या होता है तौबा का मतलब आप दुनियादारी या लोगों के बीच में अपनी इमेज अपनी प्रतिष्ठा किसी चीज की परवाह नहीं करते आप प्रभु से कहते हो प्रभु मैं गुनेगार हूँ मेरे जीवन पे दया कर आप प्रभु की ओर मुड़ते हो भाई और बहनों मैं आपको बताना चाहता हूं जो ये रेड टेप चलाई है ना लोगों ने चर्च के अंदर रेड ट्रेप टेप बनाई है ब्यूरोक्रेसी अपना सिस्टम क्रिएट किया है ये गिर रहा है इट इट गेटिंग फॉलन विल बी डिस्ट्रॉयड मैनी मैनी मिनिस्ट्रीज यू विल सी नो मोर द लो टोल्ड मी मैनी मैनी मिनिस्ट्रीज मैनी मैनी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन यू विल सी देम नो मोर प्रभु ने मुझे बताया क्योंकि वो यहोवा के की भय में यहोवा की आज्ञाओं यहोवा के वचन की बुनियाद पर खड़ी नहीं है तो भाइयों बहनों इस आत्मिक ये बहुत बड़ा एक आत्मिक युद्ध चल रहा है पृथ्वी पे। कईयों के गिरने का समय है कईयों के खड़े होने का समय है ये इसलिए आप प्रभु के चरणों के संग चिपट जाए अपने जीवन में से हर बुराई अपने जीवन में से हर बुरी बात अपने अपने जीवन को रखें परमेश्वर की अग्नि में मैं कल आपको बता रहा था सराफ हिब्रू वर्ल्ड है सराफ जिसका मतलब पर्ज करना पर्ज करना धो डालना शुद्ध करना ये सराफ वही हिब्रू वर्ड है आपको आप आपको शायद होगा कुछ लोगों को पता जो गोल्ड स्मिथ होते हैं ना सुनारे होते हैं सुनियार जिसे सुनारा सुनार बोलते हैं गोल्ड स्मिथ सोने का काम करने वाले उन्हें इंडिया में भी लोग पुराने लोग सराफ बोलते हैं सराफ और ये वर्ड कहाँ से निकला है सराफीम से निकला है जो आग यहोवा की आग से बने हैं समझ रहे हैं आप जो आग से बने यहोवा हुआ कि आग के आगे रहते हैं उसकी इबादत करते हैं वहां से यह वर्ड निकला है सराफ हुँ? समझ रहे हैं आप भाई और बहनों मैंने कल आपको बताया था ये अगर आपको याद हो हम सराफ हिब्रू वर्ड है सराफ ये प्योरीफिकेसन के लिए जो वर्ल्ड है प्योरीफाई जब औरत को प्योरीफाई किया जाता है चालीस दिन के बाद वो प्योरीफाई उसकी प्योरीफिकेशन के लिए वर्ल्ड है सराफ और यही वर्ल्ड है जो लिखा गया है फायरी ट्रायल पत्रस कहता है जो फायरी ट्रायल में से तुम गुजर रहे हो फायरी ट्रायल क्या था ये पहली सदी की कलीसिया को परमेश्वर ने आग से पर्ज किया जो पहली सदी की कलीसिया थी पहली सदी की जो चर्च है वो आपकी और मेरी फाउंडेशन है हम उस फाउंडेशन के ऊपर रखे जाने वाले पत्थर हैं तो उस जो फाउंडेशन को यहोवा ने आग से रिफ़ाइन किया है प्योरीफाई किया है हिब्रू वर्ड प्यूरिफिकेशन के लिए है सराफ जहाँ से सराफ उर्दू में सराफ ही बोलते हैं सुनारे को जो गोल्ड स्मिथ होता है वो आग जलाता है कठौती में आग जलाता है उसमें सोने को पिघलाता है जब सोना पिघलता है तब दूसरी मेटल सोने में से बाहर निकलती है जितनी इम्प्योरिटी होती है ना सोने में वो आग में जल के बाहर निकलती आपको मालूम सोना इटर्नल है गोल्ड को गोल्ड को कुरिजन नहीं होता गोल्ड को कहीं भी फेंक दें उसका कोई नुकसान नहीं होगा वेदर का क्लाइमेट का किसी चीज़ का असर नहीं होता लेकिन चांदी जो है करप्ट हो जाती है पर गोल्ड कभी करप्ट नहीं होता इसलिए यह का कलाम गोल्ड सोने से भी ज्यादा चोखा है यह का कलाम और पत्र कहता है पत्री लिख के भाई और बहनों ये जो विपत्तियों भि, की आग तुम्हें लगी है फायरी ट्रायल अंग्रेजी में लिखा है यह कोई अनहोनी चीज नहीं है जितने लोग यह के इस मार्ग से सकरे मार्ग से स्ट्रेट गेट से गए हैं नैरो पाथ पे चलते हैं वो सब फायरी ट्रायल में से गुजरे हैं पतरस कहता ही वो तो फायरी ट्रायल था क्या जिसकी बात पतरस कर रहा है रोम का राजा नीरो उसके अंदर शैतान था कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर हसतान समाया जैसे यूदयसकर युती के अंदर शैतान समा गया उसके अंदर दुष्टात्मा नहीं समाई खुद शैतान समाया जैसे हिटलर के अंदर खुद शैतान समाया वैसे ही नीरो के अंदर खुद शैतान समा गया जिनके अंदर खुद शैतान समा जाता है वो एंटी क्राइस्ट बन जाते हैं और नीरो क्या करता था नीरो मसीहों से नफरत करता था जितने प्रभु का नाम लेते थे सबको जेलों में डालता था और मरवा देता था नीरो क्या करता था नीरो अपने गार्डन में बैठता था रोम में अपने गार्डन के अंदर नीरो बैठता था बहुत बड़ा गार्डन था और वहाँ पे रोशनियाँ बुझवा देता था सारी कोई लाइट नहीं जलने देता था फिर मसीहों को लाया जाता था वहाँ पे, दोनों दो मसीह उनकी बैक बांध दी जाती थी रस्सी से पीठों एक दूसरे की तरफ़ पीठ करके उन्हें बांध दिया जाता था फिर वो ला के वहाँ खड़े किए जाते थे और नीरो उन्हें बोलता था यीशु मसीह का इनकार करो और वो इनकार नहीं करते थे बल्कि यीशु मसीह का नाम लेते थे ऊंची आवाज़ में तो नीरो क्या करता था नीरो के वहाँ पे जलाद होते थे वो तेल डाल देते थे उन दो दो बंधे लोगों के ऊपर जब उनके ऊपर वो तेल डालते थे उसके बाद उन्हें आग लगा दी जाती थी तो वो सोचें जरा वो दो बंधे हुए लोग आग लगती थी उनके बाद रस्सियाँ उनकी जल के ख़त्म हो जाती थी पर उनका पूरा बदन आग में जल जाता था जिंदा जलते थे वो लोग जब वो जिंदा जलते थे उनके शरीर की आग की रोशनी में नीरो अयाशी करता था नीरो मदिरा पीता था गोश्त खाता था और उसके आगे औरतें पेश की जाती थी नीरो यह गंदे काम करता था जब मसीह लोग यीशु मसीह के बेटे बेटियां उनके जिस्मों को आग लगा दी जाती थी उनके जलते बदन की आग में यह काम वो करता था वो लिखा गया है विपत्तियों का लांबू फायरी ट्रायल वो वर्ड है सराफ प्योरिफिकेशन ओल्ड टेस्टामेंट में वर्ड है सराफ शुद्धता वो औरत जब बच्चे को जनती है चालीस दिन के बाद शुद्ध होती है सराफ हिब्रू वर्ड है वही शब्द को यहां पे ग्रीक में इंटरप्रेट किया गया है विपत्तियों का लाम्बू जो तुम्हें लगा है फायरी ट्रायल ये अग्नि क्या करती है हमें शुद्ध करती है पहली कलीसिया आग में से निकाली गई है पहली गलीसिया शहीदों की गलीसिया है उसकी बुनियाद के ऊपर हम बने हैं। हालेलुया तो सराफ, प्यूरिफिकेशन शुद्धता धोएगा वो आग में आपको डालेगा शुद्ध करेगा इसलिए शुद्ध करेगा सोने को जब आग में पिघलाके उसके अंदर से गंदगी निकाल दी जाती है तो आग में जाना हो सकता है सोने को अच्छा ना लगता हो पिघलना अच्छा ना लगता हो लेकिन जब सोना पिघल के बाहर निकलता है उसकी वैल्यू एनहांस हो जाती है सोना और कुंदन हो जाता है सोना और सुंदर बन जाता है सोने की और कीमत बढ़ जाती है परमेश्वर फायरी ट्रायल इसीलिए याकूब अपनी पत्नी में लिखता है जब तुम फायरी ट्रायल में गिरो भाइयों यकूब की पत्री पहला अध्याय तो इसे खुशी की बात समझो किस चीज की बात समझो खुशी की तो भाई और बहनों मैं आपको बताना चाहता हूं फायरी ट्रायल उसके अंदर आपको जयवंत होना है स्पिरिचुअल बैटल को पहचानना है कि आपके विरुद्ध में बेयर आ रहा है रिच्छ आ रहा है शत्रु सामने से है या शेर आ रहा है गरजता शेर लेकिन छिप के आ रहा है या आप अपनी ब्लड लाइन से लड़ रहे हो आपकी ब्लड लाइन जो शरीर के पाप हैं पुरखों के संचित पाप हैं उनके संग युद्ध कर रहे हो आप या आप दानवों आपको मालूम जायंट के संग आम बंदा लड़ नहीं सकता ये सब के बस की बात नहीं है लोग पहले जो तीन लेवल है ना स्पिरिचुअल वॉरफेयर के इसमें से पार नहीं निकल पाते मैं बहुत सारे मसीहों का कहा जी सू शैतान ने ये करता जी और शैतान ने हमारा ये कर दिया जी उनको पता ही नहीं है कोई जानते नहीं है भेद सीक्रेट जानते नहीं हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर के मसीह लोग उनको तो पता ही नहीं कैसे युद्ध करना है वो तो शैतान की हल्की सी कोई चीज़ आती है वो बचा लो सू दुआ करो सा बच जाइए ऐसे बोलते हैं तो जाय से लड़ना सबके बस की बात थोड़ा है मैंने भाई और बहनों इन जायंट्स की स्पिरिट्स का अनुभव किया मैंने देखा इन्हें कि ये क्या करती हैं ये स्पिरिट बहुत सी ऐसी चीजें जो मैं आपको बता सकता हूँ लेकिन शायद अभी आप हैंडल नहीं कर पाएंगे कि कैसे क्या कितना जबरदस्त कितने हाई लेवल पे जा चुकी है स्पिरिचुअल वॉरफेयर लेकिन क्रिश्चियन लोगों को पता ही नहीं है इसके विषय में वो बस बड़ा मीन बड़ी बरकत उधरी जा रहे हैं उनको कुछ नहीं पता कि रियलिटी क्या है स्पिरिट वर्ल्ड की आत्मा की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ नहीं मालूम क्योंकि उनको पादरियों ने सिखाया है कुछ नहीं उनको खुद नहीं पता ये तो भाई और बहनों प्रभु के कलाम के आगे झुक जाए प्रभु से कहे मुझे अपने भेद अपने रहस्य दे बंद हाले लुया धन्यवाद सब दुआ मांगे हाले लुया हाले लुया हाले लुया धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह आपके लहू की जय लहू की जय लहू की जय यीशु मसीह आपकी स्तुति 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 आपकी प्रशंसा हो यीशु मसीह आपके नाम की महिमा नाम की महिमा नाम की महिमा यीशु मसीह आपका धन्यवाद 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 हो धन्यवाद धन्यवाद सब प्रार्थना करें प्रभु से कहें प्रभु मुझे स्पिरिचुअल बैटल आत्मिक लड़ाई लड़ना आप सिखाए खुदावन खुदावन यीशु मसीह मेरी आंखें खोले ताकि खुदावन मुझे रूहानी दुनिया दिखाई दे हालेलुया प्रभु मुझे बुद्धि दे मुझे ज्ञान दे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का प्रकाश दे यीशु मसीह हालेलुया ये मसीह आपका धन्यवाद 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 हो ये मसीह आपके लहू की जय लहू की जय लहू की जय ये मसीह आपकी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो ये मसीह आपकी प्रशंसा 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 हो ये मसीह आपकी स्तुति 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 प्रशंसा 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 यीशु में से आपकी स्तुति 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 प्रशंसा आपके लहू की जाए यीशु में से आपकी स्तुति प्रशंसा लहू की जाए यीशु में से आपकी स्तुति प्रशंसा लहू की जाए यीशु में से आपकी स्तुति प्रशंसा सी आपकी स्तुति प्रशंसा लहू की जय यशुसी आपकी स्तुति प्रशंसा लहू की जय यशमसी आपकी स्तुति प्रशंसा लहू की जय यशुमसी आपकी स्तुति प्रशंसा लहू की जय यशुमसी आपकी स्तुति प्रशंसा लहू की जय खुले प्रमोह यशुमसी आपके लहू की जय लहू की जय लहू की जय यशुमसी आपके लहू की जय लहू की जय लहू की जय यशु मसी आपके लहू की जय जय यश मसीह आपके लहू की जय लहू की जय लहू की जय यश मसीह आपके लहू की जय हो लहू की जय हो लहू की ये मसीह आपके लहू के नीचे आता हूँ यश मसीह मेरी रूह मेरी जान आपके लहू के नीचे येश मसीह आपका लहू अटोनमेंट है आपका लहू कफार है मैं अपनी रूह को अपनी जान को अपने जिसम को आपके लहू में धोता हूँ आपके लहू में अपने आप को शुद्ध करता हूँ आपके लहू के साय के नीचे आता हूँ यीशु मसीह आपके लहू के साय के नीचे आता हूँ आपके लहू के सा के नीचे लहू के साए के नीचे यीशु मसीह हालेलुया मैं अपने विचारों पर अपनी कल्पनाओं पर यीशु मसीह अपनी इच्छाओं पर अपनी डिज़ायर्स पे आपका ब्लड खोलता हूँ आपका खून खोलता हूँ आपके लहू की कुदरत खोलता हूँ अपने जीवन के हर पहलू पे यीशु मसीह आपके खून की हजूरी को खोलता हूँ आपका खून कब्जा करे मेरे जीवन पे खुदावंद मेरी भावनाओं पे, हालेलुया, लुया मेरी विचारों पे, मेरी कल्पनाओं पे, खुदावंद <coughs> मेरी इंटेंशन पे, मेरे इरादों पे आपका खून कब्ज़ा करे हाले लुया मैं आपका दास हूँ मैं आपका बंधुआ गुलाम हूँ यीशु मसीह मैं आपको सरेंडर करता हूँ यीशु मसीह मैं लहू के नीचे आता हूँ लहू में जीवन है हालेलुया लहू में लाइफ है अनंत जीवन है खून में अनंत अनंत जीवन है खून में खून में अनंत जीवन है खून में अनंत जीवन है खून में अवधि 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 जीवन है खून में अवधि 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 जीवन है खून में अवधि लाइफ है खून में अवधि लाइफ है खून में अपदी लाइफ है खून में अपदी लाइफ है खून में अपदी लाइफ है खून की जय जयकार खून की जय जयकार खून की जय जयकार खून की जय जयकार बर्र के लहू की जय 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 बर्र के लैम इज वर्र्दी लैम इज़ वर्दी वर्दी इज द ब्लड ऑफ द लैम वर्दी इज द ब्लड ऑफ द लैम वर्दी होली सेक्रेड प्योर इज द ब्लड द लैम देयर इज पावर वर्च्यू हीलिंग एंड इन द ब्लड द लैम There is deliverance, there is power, there is virtue, there is healing. Hallelujah. In the blood, 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 in the blood of the lamb, in the blood of the lamb. Hallelujah. <laughs> I bring my life under the blood. सब प्रार्थना करें कहें खुदावंद मैं अपना जीवन तेरे लहू के नीचे लाता हूँ यशु मसीह अपनी जान को तेरे लहू के नीचे लाता हूँ अपनी सोचों को तेरे लहू के नीचे लाता हूँ अपने इरादों को तेरे लहू के नीचे लाता हूँ यशु मसीह तेरा लहू स्प्रिंकल करता हूँ अपने ऊपर लहू छिड़के सभी मैं यशु मसीह का याजक होने के नाते आप पे खून छिड़कता हूँ आप जितने ऑनलाइन हो मैं आपके ऊपर खून आपको मालूम भाई और बहनों सुने ध्यान से अटोनमेंट क्या होती है अटोनमेंट के लिए ही हिब्रू डा कफार कफारा खून छिड़का जाता है क्योंकि खून में जीवन है भाई और बहनों पाप कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर है हम पाप से लड़ रहे हैं प्रतिदिन परमेश्वर ने हमें पाप की पावर के ऊपर विजय दी है परमेश्वर ने हमें पाप की प्रेजेंस के ऊपर विजय नहीं दी ध्यान से सुन रहे हैं ना आप मेरी बात यू हैव बीन Delivered from the power of sin. You have not been delivered from the presence of sin. God has not made you 100% sinless and absolutely pure and flawless. No, but God has given you authority and power over sin. If you live righteously, if you walk in purity, if you obey the commandments of the Lord, you can overpower sin daily. बट यू कैन नॉट ओवर पावर सिन फॉर वन ईयर आप कहें कि आज खुदावन में दुआ करता हूँ आज जो कितना चौदह चौदह अक्टूबर है आज चौदह अक्टूबर से टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की चौदह अक्टूबर तक मैं पाप के ऊपर विजयी हो गया ऐसा नहीं होगा एवरी डे इट्स अ ब्लडी बैटल दैट यू हैव टू फाइट एवरी डे समझ रहे हैं आप <coughs> ये वॉरफेयर है इस बॉडी के अंदर डेथ रेन करती है ये जो बॉडी है करप्टेबल बॉडी है ये इस बॉडी को देह को ब्लड के नीचे लाना है इसके अंदर सोल है जान है उस जान को ब्लड के नीचे लाना है आपकी स्पिरिट है रिक्रिएटेड उसे ब्लड के नीचे लाना रोज डेली ब्लड स्प्रिंकल करना है खून छिड़कना है डेली आपको मालूम डेली एक मेमना सुबह और एक मेमना शाम को ब्रेजन ऑल्टर पे चढ़ाया जाता था और उसका ब्लड छिड़का जाता था डेली उस ब्लड के द्वारा चीजें शुद्ध होती थी खून के अंदर जीवन है तो जब जीवन छिड़का जाता है नीचे मौत है ऊपर जीवन छिड़क दिया जाता है उस मौत के ऊपर जीवन गालिब हो जाता है नीचे बीमारी है उसके ऊपर खून छिड़क दिया जाता है उस बीमारी के ऊपर जो जीवन है ना लहू के अंदर यीशु मसीह के वो उस बीमारी पे जैवंत हो जाता है Hallelujah. तो जो लोग सिखाते हैं ना हाइपरग्रेस थियोलॉजी वाले कि तौबा बस एक ही बार है बार बार वो बहुत ही फॉल्स टीचिंग दे रहे हैं फॉल्स ही नहीं शैतानी टीचिंग दे रहे हैं यीशु मसीह की कलीसिया को कमजोर करके नरक में ले जाने का सामान तैयार कर रहे हैं हाइपरग्रेस वाले ये इधर सिंगापुर से जो फेमस प्रीचर है ना उसने प्रीच किया ये थियोलॉजी जूस हिब्रेक पर्सपेक्टिव बताता है डेली आपको डेली आपको मालूम मैं आपको कल बता रहा था मिकवा और तवीला के विषय में मिकवा होता है पानी से धोना तवीला का मतलब होता है पानी में डुबो देना यहूदी लोग क्या करते थे जो नीचे का सोते का पानी बहता है बिल्कुल नीचे जाके उसके ऊपर कुआं बनाया होता है लेकिन पानी नीचे बहरा होता है सब ट्रेनियन लेवल का पानी उन कुंडों में अपने आप को साफ करते थे फिर टेम्पल में जो टेंपल सुलेमान ने बनाई वहां पे उसने एक सी बनाया सी समझते हैं जैसे एक बड़ा स्विमिंग पूल लेबर कहते हैं उसे इंग्लिश में याजक अपने आप को शुद्ध करते थे उसके अंदर मिकवा शुद्धिकरण धोना है तवीला का मतलब पानी में इमर्स करना है यह बपतिस्मा यहीं से चला है बपतिस्मा कोई नई शिक्षा नहीं है यहूदी याजक मिकवा और तवीला करते थे जिसे यहुन्ना बपतिस्मा देने वाला बैप्टिज्म कहता है तो यह रोज होता था शुद्धिकरण डेली 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 यू हैव टू तो क्लेंज योरसेल्फ सेल्फ इन द ब्लड हाली पाप की प्रेजेंस रियल है और, <coughs> और कंसिस्टेंट है सिन डिके ये सब चीजें कंसिस्टेंट है रोग बीमारियां डेली ब्लड आपने स्प्रिंकल करना है खून में ही आपको विजय मिलेगी हाल लुहिया हाली लुहिया लहू की जय लहू की जय यीशु मसीह तेरे लहू की जय तो भाई और बहनों जो कफार है कफार ही वर्ल्ड है अटोनमेंट के लिए कफार मतलब आप यीशु के लहू के नीचे ले आते हो अपना जीवन सुबह भी लाइए रात को भी लाइए दिन में भी लाइए बार बार रात के पहरों में लेकर आइए अर्ली मॉर्निंग उठ के ब्लड के साई के नीचे आइए अटोनमेंट हिब्रू वर्ड कफार निकला वहां से किपूर किपरीम एच थ्री सेवन टू टू हिब्रूबर्ड है एच थ्री सेवन टू टू किपुरीम का मतलब क्या है कफार का अटोनमेंट का इसका मतलब है कवर करना ढांक देना माफ कर देना क्षमा कर देना किसी का कर्जा खुद उतार देना जैसे मेरा बिल आया इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा आप मेरे घर आए आपने देखा कि जी का बिल बहुत ज्यादा आया आपने चुपके से मेरा बिल उठाया आपने ऑनलाइन जाके या बिजली घर में जाके मेरा बिल पे कर दिया और मेरे टेबल पे लाके रिसीट रख दी वाउचर इट इज ऑल पेड ये है अटोनमेंट लेकिन अटोनमेंट ज्यादा सक्सेंटली अटोनमेंट का मतलब है कवर करना ढांक देना अटोनमेंट का मतलब है कीपिंग वन फ्रॉम डेथ मौत से छुड़ा लेना हाली पहला पत्रस चार अध्याय के आठ वचन में पत्रस क्या कहता है <coughs> पत्रस कहता है लव वन अनदर डीपली एक दूसरे से गहरा प्यार करो बिकॉज लव कवर्स क्योंकि प्यार बहुत तेरे अपराधों को ढांक लेता है अगर मसीह लोग आपस में प्यार करें <coughs> मसीह लोगों में प्रेम नहीं है मसीह लोगों में थियोलॉजी है प्यार नहीं है लेकिन प्रभु यह नहीं कहता कि तुम्हारे में थियोलॉजी हो प्रभु कहता है प्यार हो अगापे प्रभु कहता है प्रभु का दास वतरस कहता है लव वन अनदर डीपली बिकॉज लव कवर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंह एक दूसरे से गहरा प्यार करो क्योंकि प्यार क्या करता है प्यार ढांकता है क्या वर्ड है वहां पे वहां पे यही वर्ड है कफार लव ढांक लेता है कफार का मतलब अटोनमेंट किसी दूसरे की जगह ले लेना कफारा बनना ढांकना का मतलब है कफार कफार ढांकता है प्यार ढांक लेता है एक दूसरे के अपराधों को इसका मतलब यह नहीं कि यदि कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो आप उसको प्यार करके उसके पाप ढांकते जाओ ऐसा नहीं कह रहा कलाम कलाम ये कह रहा है कि एक दूसरे से प्रेम रखो एक दूसरे की कमियों को कवर करो प्यार से उन्हें प्रभु के चरणों में लेकर आओ कि वो गंदगी से छुट जाएं। हालेलुया। ले प्रभु कहते हैं योना पंद्रह की तेरह में लव वन अनदर एज इवन आई लव यू <laughs> जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया ऐसे प्यार करो प्यार का स्टैंडर्ड अगर आपने सीखना है तो यीशु मसीह से सीखना पड़ेगा और क्या कहता है प्रभु का दास पॉलूस इफिसियों की पत्नी पांच अध्याय में वो कहता है पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम करो प्रेम। पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो क्या करता है उसे ढांकता है आपको मालूम रूथ बोआज के साथ जाके थ्रेशिंग फ्लोर के पास लेट गई और उसे क्या कहती है उसे कहती है मुझे अपनी चद्दर से ढांक ले कवर कर ले कफार कर दे मुझे यीशु मसीह ने भाइयों और बहनों अपने लहू की जलाली चादर के नीचे आपको और मुझे ले लिया है अपना बना लिया उसने हाले लुइया अब हमें लहू के साहे के नीचे रहना है खून के नीचे रहना है प्रतिदिन खून से बाहर नहीं निकलना हाले यीशु मसीह के कलाम के कवच के नीचे रहना है कलाम का कवच टूटने ना पाए धार्मिकता में चलना है पवित्र जीवन जीना प्रभु के लिए सच्चे कलाम की रोशनी में चलना है फ्रॉड जो सेवकाइयां हैं फ्रॉड जो पास्टर हैं फ्रॉड जो प्रॉफिट हैं अपोसल हैं उनसे बचिएगा वरना आपका जीवन नाश हो जाएगा जो आप जाते हो ना बड़े दिखावे के लिए ये करने के लिए वो कर उससे बच जाओ <laughs> सच्चा कलाम सच्ची संगति आपको बचाएगी मैं आपको बताने जा रहा हूं पृथ्वी के ऊपर स्पिरिचुअल वॉरफेयर बहुत इंटेंस होने वाली है प्रभु यीशु ने ये खुद कहा है प्रभु यीशु ने कहा जब मैं पृथ्वी पे आऊंगा क्या मैं विश्वास पाऊंगा विल आई फाइंड फेथ वेन आई कम ऑन दी अर्थ तो यीशु मसीह बता रहे हैं जो लड़ाई होगी शैतान की स्पिरिचुअल बैटल वो विश्वासियों के जीवन से फेथ खींच लेगा विश्वास खींच लेगा यीशु मसीह ने यही दुआ की पतरस के लिए कि तेरा विश्वास जाता ना रहे तो सेटन इज आफ्टर योर फेथ ये मल्ल युद्ध है इसमें अपने आप को यीशु मसीह के लहू में छिपाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बनाए मुकम्मल करें अपनी लाइफ को कोई भी कमी घटी ना हो आपके आत्मिक जीवन में प्रार्थना में उपवास रखने में वचन मनन करने में आपके जीवन में लोगों को प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने में आपके जीवन में यीशु मसीह की सेवा करने में कमी ना हो आपके जीवन में पड़ोसी से प्यार करने में अपने तुल्य कमी ना हो आपके जीवन में प्रभु के लिए बीजने में पैसा बीजने में टाइद देने में ऑफरिंग देने में भी कमी ना हो अपने जीवन के हर पहलू में सही हो जाए प्रभु के संग संपूर्ण रीति से उसके लहू के साय में आ जाए ताकि शैतान आपका विश्वास चुराने ना पाए हरेलू <laughs> परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें एक नया अभिषेक दे स्पिरिचुअल बैटल लड़ने के लिए hmm. अपनी आंखें बंद करें अपने हाथ उठाइए हाल नया अभिषेक नई डिवाइन एबिलिटी न्यू डिवाइन एनेबलिंग लॉर्ड वी वांट फ्रॉम हेवन सो दैट वी कैन सी द बेयर the enemy in sight so that we can see the lion the enemy that is lurking and hiding so that we can see lord the enemy in the bloodline and our dna is transformed resequenced lord lord so that we can see the giants the army of the nefals those spiritual entities that fight against us लॉर्ड हालेलुया अपने हाथ उठाएं मेरे संग संग के स्वर्गीय पिता हेवनली फादर यीशु मसीह के खून से यीशु मसीह के जलाली लहू से मुझे मसाह कर दे यीशु मसीह के जलाली लहू से मुझे मसा कर दे यीशु मसीह के जलाली खून से मुझे मसा कर दे यीशु मसीह के जलाली खून में तेरा खून चले मेरी रग रग में तेरा खून बहे मेरी नस नस में तेरा दिल धड़के मेरे सीने में मुझे अपने लहू का रंग दे, दे 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 मुझे अपने लहू का रंग दे दे कोई रंग तो हो मेरे जीने में तेरा खून चले मेरी रग रग में तेरा खून चले मेरी नस नस में तेरा दिल धड़के मेरे सीने में मुझे अपने लहू का रंग दे दे मुझे अपने लहू का रंग दे दे कोई रंग तो हो मेरे जीने में तेरा खून चले मेरी रग रग में तेरा खून चले खुदावंद तेरा खून हमारी रग रग में बहे खुदावंद तेरे खून के कवनेंट को खुदावंद मेरे दिल की गहराइयों में इंस्टीट्यूट कर तेरे ब्लड कवनेंट की सारी क्लॉज को खोल मेरी लाइफ में तेरे ब्लड कवनेंट की सारी ब्लेसिंग खोल सारे बेनिफिट खोल खुदावंद तेरा ब्लड कवनेंट मेरी मेरे, मेरी कॉन्शियस में स्टेब्लिश कर तेरा ब्लड कवनेट खुदावंद मेरी सोल में इस्टाब्लिश कर मेरे माइंड वेल इमोशन में तेरा ब्लड काबोनेट इंस्टीट्यूट कर मेरी स्पिरिट की गहराई में तेरे ब्लड काबिनेंट को इंस्टीट्यूट कर मैं अपनी सोल को खुदावंद यीशु मसीह मैं अपनी स्पिरिट को मैं अपनी जान को नफिश को नफिश को खुदावंद माइंड वेल इमोशन को अपनी डिजायर्स को खुदावंद इंटेंशंस को अपनी खुदावंद सबकॉन्शियस माइंड को वेयर ड्रीम्स आर बॉर्न अपनी खाफ गांव को तेरे ब्लड कव के साथ बांध देता हूं <coughs> दुआ करें कहें खुदावन मैं अपने पूरे वजूद को तेरे खून की वाचा तेरे खून के नामे के साथ बांधता हूं करें दुआ सब <coughs> खुदावन तेरे खून के नामे के साथ अपनी जिंदगी को बांधता हूं तेरे खून के नामे के इर्द गिर्द अपने आप को लपेट लेता हूं अपने वजूद को लपेटता हूं खुदावन हाली लू तेरे लहू के साए में जी खुदावंद और खुदावंद तो मुझे आत्मा के हथियार परमेश्वर के कलाम में लिखा है पहनिए उद्धार के टोपे को विश्वास से उद्धार के टोपे को अपने सर पे रखें विश्वास से झिलम पहने राइचसनेस की राइचसनेस की राइचसनेस 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 धार्मिकता में आपको चलना पड़ेगा put on the breastplate of righteousness it will protect your heart salvation will protect your mind no evil thoughts will come helmet will protect you from every assailing demonic thoughts of the enemy and breastplate will protect and guard your heart then take the belt of truth the most crucial thing is truth promise <laughs> keeper बहुत से मसीह लोग वादा करते हैं पूरा नहीं करते प्रॉमिस कीपर नहीं है ट्रूथफुल नहीं है धार्मिकता की बेल्ट तभी पहनना सच्चाई की कमर कसा तभी पहनना अगर जीवन में ट्रूथ है यहां पे बहुत से लोग फेल हो रहे हैं उनकी कमर नहीं बंदी हुई आपको मालूम जो बेल्ट ऑफ ट्रूथ है ये आपके ऊपर के गारमेंट को और नीचे के गारमेंट को कनेक्ट करता है जो रोमन सोल्जर की पोशाक होती थी लड़ाई में जाने वाली अगर उसके पास बेल्ट नहीं है तो उसके सारे के सारे हथियार गिर जाएंगे नीचे मतलब सारा जो स्पिरिचुअल उसकी आर्मरी है गिर जाएगी जो बेल्ट ऑफ ट्रूथ है वो सब कुछ होल्ड करता है एंड फीट शॉर्ट विद द गॉस्पल ऑफ प्रेपरेशन और उसके बाद विश्वास की ढाल और रूह की तलवार यह का कलाम और उसके बाद सातवां हथियार किया है प्रार्थना कई तरह की प्रार्थनाएं हाल ही खुदावंद अपने जीवनों को तेरे कदमों पर रखते हैं हम खुदावंद तेरे लहू को मैं तेरे लहू को छिड़कता हूँ तेरे लोगों पे मैं अपने आप पे तेरे लहू को छिड़कता हूँ तेरा याजक होने के नाते अपनी पत्नी पे छिड़कता हूँ अपने बच्चों पे अपनी माता पे अपने दोनों भाइयों पे उनके खानदानों पे छिड़कता हूँ तेरे खून को खुदा मैं अपने घर के चारों ओर छिड़कता हूँ इसी समय आत्मा में खुदावंद जितने लोग इस समय ऑनलाइन हैं इन सब पे तेरे खून को छिड़कता हूँ इनके घरानों पे इनके ख़ानदानों पे तेरे खून को छिड़कता हूँ जितने खुदावंद इस समय ये लोग हैं इनके घरानों पे इनके जीवनों पे खुदावंद इनके बच्चों पे खुदावंद इनके स्पाउसेस पे इनके खुदावंद पेरेंट्स पे सिबलिंग पे रिलेटिव पे तेरे खून को छिड़कता हूँ तेरे खून को स्प्रिंकल करता हूँ जूफे की डाली भिगो के तेरे ब्लड में मैं सेवन टाइम सेवनिंग करता हूँ खुदावन सेवनिंग करता हूँ ब्लड में ब्लड में ओथ खुदावन ब्लड में तेरी वाचा को खोलता हूँ ब्लड में तेरी ओथ को खोलता हूँ सेवनिंग करता हूँ शिबा लॉर्ड हाले लुया आई स्प्रिंकल सेवन टाइम्स द ब्लड द लैम सो दैट योर पीपल में प्रिवेल ओवर एवरी फायरी डार्ट ऑफ द एनिमी लॉर्ड योर पीपल में प्रिवेल ओवर एवरीथिंग द एनमी विल अनलिश अगेंस्ट दैम लॉर्ड वी सी द सी आवर अवर स्पिरिचुअल वॉरफेयर हम खुदावंद अपनी आत्मिक लड़ाई को देखें खुदावंद बेयर को देखें लाइन को देखें अपनी ब्लड लाइन को देखें खुदावंद और जाइंट्स को देखें और हम जीतें खुदावंद तेरे नाम में क्योंकि तू हमें यू ऑलवेज कीप ऑन टेकिंग अस इन अ कॉन्स्टेंट प्रोसेशन ऑफ ट्रायम्फ कलाम कहता है थैंक्स वी एन टू गॉड हु ऑलवेज टेक्स अस इन ए कंटिन्यूअल प्रोसेशन ऑफ ट्रायम्फ जो हमें जय के उत्सव में लिए चलता है हालेलुया हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे लोग विजयी हों खुदावंद आत्मिक गहराई को देखें स्पिरिचुअल बातों को समझें और खुदावंद जब बहुत सारे लोग बीमार इसलिए होते हैं स्पिरिचुअल जो बैटल होती है आत्मिक जो लड़ाई होती है उसका फॉल आउट होता है सिकनेस बहुत सारे लोगों का बिजनेस फेलियर होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है घरों में ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर का ही निशान है बहुत सारे लोगों के घर में कलेश रहता है बच्चे उनका कहना नहीं मानते पति पत्नी में झगड़ा होता है ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर का फॉल आउट है हाल तो यीशु मसीह तेरे लोगों को रिच के संग लड़ना शेर के संग लड़ना तेरे लोगों को ब्लड लाइन के अपनी ब्लड लाइन को देखना सिखा खुदावन ब्लड लाइन के डीमंस के ऊपर जयवंत हो तेरे लोग और खुदा में दुआ करता हूँ तेरे लोग दानवों के ऊपर जैवंत हो युद्ध करना सिखा हम्म यीशु मसीह के नाम में आमेन सिपाही सुखे कदम बढ़ाता शतान को मार बगाता जा सिपाही सुखे कदम बढ़ाता जा शतान को मार बगाता जा गाइए खून और गोश्त की ये जंग नहीं है ढाल और तेग की ये जंग नहीं है साथ मसीह के कदम मिलाता जा सिपाही ये सुखे सिपाही सुखे हाल लुआया खुदा शुभ मसीह आप सबको बरकत दे आज उपवास है आप में से कितने लोग फास्टिंग करेंगे आज जिन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया आप चैलेंज लेंगे उपवास रखने का आज बताइए कितने फास्ट करेंगे मेरे साथ आज फास्ट करेंगे सिर्फ 24 फोर आवर्स का शाम को आप खाना खा सकते हैं और प्रार्थना करेंगे आज हम मैं शॉर्ट शॉर्ट स्पेल करूंगा 20 20 मिनट के प्रेयर के सिर्फ प्रेयर होगी उसमें और बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू आपको प्रभु देंगे अगर आप फास्टिंग करेंगे तो मुझे बताइए कौन कौन आज उपवास करेंगे कौन कौन प्रभु को कहना चाहते हैं मुझे अपने पेट की परवाह नहीं है मैनू रोटियां रोटियों का भी फिक्र नहीं है चावलों का भी फिक्र नहीं है चिकन मटन का फिक्र नहीं है ललित भाई मुझे आज प्रभु तेरी हजूरी चाहिए हाँ लोहिया बताइए मुझे अभी मैं कहता ना प्रार्थना करेंगे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो तो आप खटाक खटाक भेज दे अब मैं कह रहा हूँ कौन उपवास रखेंगे बताइए मुझे हु इज़ गोइंग टू फास्ट विद मी अमरजीत कौर एंड अ हसबैंड टू पीपल आर गोइंग टू फास्ट विद मी तनुजा सेठ इज गोइंग टू फास्ट हरदीप सिंह इज गोइंग टू फास्ट टेल मी हु एल्स और कौन कौन उपवास रखना क्यों आपके लिए इतनी टेढ़ी खीर हो जाता अमनदीप कौर इज गोइंग टू फास्ट ब्रदर रवि प्रकाश गुप्ता इज फास्टिंग अमित सैम इज गोइंग टू फास्ट जसवंत सिंह गोइंग टू फास्ट गुरदीप सिंह इज गोइंग टू फास्ट हरदीप सिंह इज गोइंग टू फास्ट मंगल थापा इज़ फास्टिंग मे बी हिज फैमिली इज ऑल्सो गोइंग टू फास्ट हिज वाइफ और ब्रदर्स साहिल फास्ट करेंगे मनीषा सिंगी इज गोइंग टू फास्ट टू और भी जो फास्ट करना चाहते हैं मैसेज करें मैं आप लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए गुरदीप सिंह के लिए अनीता रानी मनीषा सिंह जी ब्रदर साहिल और उसके परिवार के लिए मंगल थापा उसकी फैमिली के लिए ललित मेहरा इज इन फास्टिंग ऑलरेडी उनके लिए हरदीप सिंह जसवंत सिंह अमित सैम ब्रदर रवि प्रकाश गुप्ता अमनदीप कौर मीनू सूद हरदीप सिंह तनुजा सेठ अमरजीत कौर एंड अस्बैंड मलकियत गिल विल कीप द फास्टिंग हाली लुइया जसवंत सिंह एंड इज वाइफ आर गोइंग टू फास्ट टुडे, हितेश चोपड़ा चो चोपड़ा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया दे विल फास्ट चंदर मोहन इज गोइंग टू फास्ट वी आर गोइंग टू हैव वंडरफुल टाइम हाली बहुत से लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हमने आज क्या करना है आपने ज्यादा समय प्रार्थना में बिताना है मीनू सूद इज फास्टिंग शालू गाबा सिंह शी विल बी फास्टिंग हाले विजय मसीह खोसला एंड हिज होल चर्च इज गोइंग टू फास्ट दैट्स वंडरफुल सारा सारा इज गोइंग टू फास्ट गुरप्रीत सिंह इज गोइंग टू फास्ट लुक्स लाइक विल हैव मोर देन फोर्टी पीपल फास्टिंग टूडे वी विल बी हैविंग ट्रमेंडस टाइम आई एम टेलिंग यू एम सेंसिंग इन माई स्पिरिट कि बहुत अद्भुत काम आज प्रभु करेगा हम दो या तीन स्पेल करेंगे प्रार्थना के मैं ऑनलाइन आऊँगा और मैं चाहता हूँ आप मेरी फेसबुक की पोस्ट देखते रहिएगा और फिर मैं आप सब लोग जो फास्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए जैसे मुझे होली स्पिरिट इंस्पायर करेगा मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे विच एवो वे द होली स्पिरट विल लीड एस हम मिलके प्रार्थना करेंगे हालेलुया हालेलुया हरदीप सिंह माय नेम पिंकी हरदीप माय बेटा यस वी विल बी प्रेइंग एंड फास्टिंग टुडे हालेलुया खुदावंद आज के दिन तू खुदावंद स्वर्ग के फाटक खोल ओपन द गेट्स ऑफ ग्लोरी फॉर योर पीपल लॉर्ड वी विल बी फास्टिंग प्रेइंग एंड सीकिंग योर फेस तेरा धन्यवाद हो हालेलुया तेरे नाम की जय जयकार हो दस बजे भाई और बहनों एग्जैक्टली exactly, हम प्रार्थना के लिए फिर इकट्ठा होंगे टेन टेन ओ क्लॉक इकट्ठा होंगे उपवास में हम प्रार्थना करेंगे जय मसीह की पास ऑफ विजय मसीह जी जय मसीह की खुदा आप सबको बरकत दे, टेन शार्प सब आ जाइएगा हम लोग प्रार्थना करेंगे इंटेंसिव प्रेयर और स्पिरिचुअल वॉरफेयर में परमेश्वर आप लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है आत्मिक मल युद्ध हम जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में और भाइयों और बहनों जो ब्लेसिंग रुकी हैं शैतान ने जिन ब्लेसिंग को रोका है वो ब्लेसिंग यीशु मसीह के नाम में रिलीज होंगी हाल ही दस बजे मैं आपसे मिलूँगा सबको जय मसीह की